आ, आ, आ अग्नि देवता, आ, आजा अग्नि देवता, आजा अग्नि देवता, आजा, आजा अग्नि देवता, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, देखने आप, आ गया, आ गया। आज तुमने तंत्र विद्या का आखिरी इम्तिहान भी पास कर लिया, आज से तुम पूरी तांत्रिक हो। ये सब आप ही की कृपा से हुआ है। आज मैं जिस दिन आपसे शादी करके खुश थी, उसे ज्यादा ही खुश हूँ। कहो तो तुम्हारी खुशी को और भी बढ़ा दिया जाए। कैसे? तुम्हारी छोटी बहन का खत आया है, ये लो। सुनंदा का? आज पूरे एक साल के बाद उसे मेरा ध्यान आया। क्या लिखा है? प्यारी दीदी, आपकी मर्जी के खिलाफ मैंने डिसूजा से शादी की, इस उम्मीद पर कि वो मुझे प्यार देगा। जब मुझे पता चला कि वो एक आवारा और शराबी आदमी है, तब तक मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। बदले में उसने मुझे बस्ती वालों के सामने बदचलन औरत बताकर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं पिछले 15 दिनों से फुटपाथ पर पड़ी हूँ। मेरे पेट का बच्चा 7 महीने का हो चुका है और मैंने चंद दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं है। बस्ती वाले आते जाते मुझ पर थूकते हैं। दीदी, अगर मेरा बच्चा हो गया तो उसे दरिंदों की इस दुनिया से बचा लेना। जब तक ये खत आपको मिलेगा, शायद आपकी छोटी बहन इस दुनिया से जा चुकी होगी। आपकी छोटी बहन सुनंदा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहन बहुत मुश्किल में है, मुझे फौरन वहां जाना होगा। ऐसी बात है तो मैं साथ चलूंगा। सुनंदा, 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 दीदी तुम आ गई। हाँ सुनंदा, अब मैं आ गई हूँ, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे पता है मैं नहीं बचूंगी दीदी। इस जमाने ने मुझे बहुत तंग किया, मुझे बहुत दुख दिया है। मेरी एक ख्वाहिश थी कि मरने से पहले मैं इस बच्चे को जन्म दे सकूं। सुनंदा, 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 नहीं, सुनंदा, 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 मैं करूंगी तेरी इच्छा पूरी। अपने तांत्रिक विद्या से मैं जन्म दूंगी इस बच्चे को। नहीं नंदा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम विधाता के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती। जरा सोचो, आज 13 तारीख है, शुक्रवार और अमावस की रात। जिन इंसानों ने मेरी बहन के साथ दरिंदों की तरह बर्ताव किया, उनका सर्वनाश होना ही चाहिए। क्या तुम अपनी तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल करोगी? तुम्हारी नजर में गलत होगा, मेरी नजर में गलत नहीं है। मैंने अपनी बहन खोई है। मैं इसके बच्चे को जन्म देकर इसकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। तो ठीक है, आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। तुम तंत्र विद्या का दुरुपयोग कर रही हो। अपनी तांत्रिक विद्या से जन्म दिया है, तुझे अपनी माँ का बदला लेना है। याद रख, हर अमावस की रात को तुझे इंसान रूपी दरिंदों से बदला लेना है, उनका नाश करना है, नाश करना है। Thank you.
देखिए, मैं आप लोगों की बातों से पूरी तरह से सहमत हूं कि वो दरिंदा हर अमावस की रात को बड़ी बेरहमी से किसी ना किसी का कत्ल कर देता है। और जिस तरह आपने पूछा, उसके ना पकड़े जाने की कई वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि जो कातिल जब भी किसी का कत्ल करता है तो वो किसी बदले की भावना या पैसे की लालच से नहीं करता, जो कि हम उसके आसपास के सूत्रों से या किसी लिंक से उस तक पहुंच सके। तो फिर वो अमावस की रात को ही कत्ल क्यों करता है? आप एक काम कीजिए, जब वो कातिल पकड़ा जाना है तो आप उसी से पूछ लीजिए, वो आपको अच्छी तरह समझा देगा। ओके, शट अप। यस सर। बट नो सर, सर रीजन तो वही जानता है ना, अब हम लोग भला क्या बताएं? शट अप। रीता, सुमन, हाय। हेलो, तुम लोग कहाँ थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। जाने मन, कभी हमें भी तो ढूंढ लिया करो। जब से तुम इस कॉलेज में आई हो, हमारी तो रातों की नींदें हराम हो गई है मैडम। अबे घोचू, जानता है मैं कौन हूँ? आप कौन हो बेबी? मैं डीआईजी सक्सेना की बहन हूँ। अरे बाप रे, सॉरी मैडम। जाने मन, अगर तुम डीआईजी सक्सेना की बहन नहीं होती तो आज सारे के सारे तार टूट गए होते। अबे रोमियो की औलाद, इस वक्त ये डीआईजी की बहन नहीं, मेरी मंगेतर है, समझे? और अब तुम इसे हाथ लगा दे। अच्छा, तो ये तेरी मंगेतर है? हाथ तो क्या, अब तो हम इसे उठा के ही ले जाएंगे। उठा ले इसे। गलती ना गलती। अरे बड़ी जोर से मारता यार। सब सुनो यार, मजा कर रहा था यार। अरे मर गया यार। सुने एक बार बदमाश, चलो। ऐसे मौके पे भी मजाक करते हो? जाने मान, ये तो मजाक था। अब आप असली चीज देखिए। वो तो चले गए, पर आप ये बताओ, आप मेरे कॉलेज में क्या करने आए हो? अरे हम तो तुम्हें गुड न्यूज देने आए थे जाने मन। गुड न्यूज? हाँ। तो फिर जल्दी बताओ। कल मैं शहर जा रहा हूँ। क्यों? अरे अपने मैनेजमेंट का कोर्स पूरा करने के लिए। ये गुड न्यूज है? उदास हो गए। अरे थोड़े दिनों की तो बात है, बस यूं गया और यूं आया। सच? तो फिर आज सारा दिन तो मेरे साथ रहोगे। ओके, चलो। भाई साहब, मेरी इच्छा तो यही थी कि सीमा की शादी करके अपनी इस बहन के हाथ भी जल्द से जल्द पीले करता हूँ। यकीन मानिए, डीआईजी की ड्यूटी से इन दोनों की ड्यूटी कहीं ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आपका भी कहना सही है,
सुनील को पहले अपना करियर बना लेना चाहिए। हाँ फिर दो साल तो यूं बातों बातों में गुजर जाएंगे। दो साल? लेकिन चाचा जी आप कह रहे थे कि मैं जल्दी आऊंगा, क्या आप झूठ बोल रहे थे? नहीं बेटा, सच बात तो यह है कि मैं जाना ही नहीं चाहता। क्यों जाना नहीं चाहते? न जाने क्यों एक अजीब सा डर मेरे दिलो दिमाग में छाया हुआ है भैया। कैसा डर? किसी अनहोनी का डर, जो मुझसे कह रहा है कि मैं अपने भैया भाभी को छोड़कर नहीं जाऊं। भैया आप तो जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से शहर में हर अमावस की रात को कई बेगुनाह लोगों का कत्ल होता है और उनके कातिल का आज तक कोई पता नहीं लगा। अब आप ही बताइए, इतने खतरनाक मुजरिम के साये तले मैं आप लोगों को कैसे छोड़ के जा सकता हूं? सुनील सुनील, ये बात कहकर तुम मेरी ही नहीं पूरे पुलिस महकमे की इंसल्ट कर रहे हो। हाँ आई एम सॉरी भाई साहब, रियली मेरा ये मतलब नहीं था। सुनील मैं नहीं चाहूंगा कि कातिल के डर से तुम अपना करियर बर्बाद करो। और सुनो, अब तो इस परिवार से हम भी जुड़ चुके हैं, मुझ पे भरोसा है तो बेफिक्र होकर जा। थैंक यू भाई साहब, ये कहकर आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। थैंक यू। आज भी अमावस की रात है तो क्या आज भी? जी नहीं, आज रात वो कोई कत्ल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना लापरवाह आप पुलिस डिपार्टमेंट को समझ रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट उतना लापरवाह नहीं है। जब इतने दिनों से पुलिस डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाया तो आज क्या कर लेगा? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि पहले हमारे पास इतनी फोर्स नहीं थी, लेकिन आज हमने स्पेशली बॉम्बे से पुलिस फोर्स की 4 बटालियन मंगवा ली, जिन्हें शहर के चप्पे चप्पे में बिछा दिया गया। मुझे यकीन है कि आज वो कातिल ना सिर्फ अपने इरादे में नाकामयाब रहेगा, बल्कि आज वो पकड़ा भी जाएगा। सुनो सुनो सुनो, सभी लोगों से निवेदन है कि सुबह होने तक कोई भी आदमी अपने घर से बाहर ना निकले। सभी लोग अपने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। शहर में एक बहुत ही खतरनाक कातिल घूम रहा है। कोई भी आदमी सुबह होने से पहले बाहर ना निकले। अपने अपने दरवाजे खिड़कियां सभी लोग बंद कर लो ना। आज रात अव्वल तो कातिल अपने इरादे में कामयाब नहीं होगा, और अगर उसने कोशिश भी की तो बच नहीं पाएगा। बचेगा कैसे सर, मेरा इंतजाम ही ऐसा है। आई मीन सर, हमारा इंतजाम ही ऐसा है। व्हाट आई मीन टू से सर, कि आपका इंतजाम ही ऐसा है कि परिंदा भी शहर में पर नहीं मार सकता। हे मिस कमिया, यहां आइए। आपको मालूम है ना कि इस शहर में हर अमावस की रात को क्या होता है? और अगर नहीं भी मालूम तो पुलिस की गाड़ियां बराबर वार्न कर रही हैं कि सभी लोग अपने घरों में रहें। फिर भी इतनी रात गए आप इस सड़क पर क्या कर रही हैं? जी आई एम सॉरी, लेकिन मैं मजबूर थी। ड्यूटी खत्म हुई तो कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिला। ड्यूटी इस वक्त क्या काम करती हैं आप? जी मैं ब्लू स्टार में डांसर हूँ। नचनिया हो, कैबरे डांसर। शट अप, बदतमीज। यस सर। बट नो सर, सर मैंने गलत क्या कहा सर? इंस्पेक्टर, तुमने जो कुछ भी कहा है वो भले ही गलत नहीं था, लेकिन जिस ढंग से कहा है वो सारा सर गलत है। मतलब शट अप, फैट स्लब। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं, और तो इज्जत नहीं करते। yes, समझे? नशाई है, सॉरी। आई एम सॉरी सर। नॉट टू मी, टू हर। आई एम सॉरी मैडम। कोई बात नहीं, अच्छा मैं चलती हूँ। रुकिए, वैसे भी अकेले जाना आपकी जान को खतरा हो सकता है। जी मेरा मतलब है कि हर शहरी की हिफाजत करना पुलिस वालों का फर्ज है। सर इफ यू डोंट माइंड सर, आप एक काम कीजिए, आप जाकर इन्हें घर तक छोड़ाइए। शट अप। यस सर। बट नो सर, सर मैंने गलत क्या कहा, अकेली है ना इसलिए कह रहा हूँ सर। मैं अगर यहाँ से जाऊंगा तो यहाँ की हिफाजत कौन करेगा? यस तो मैंने छोड़ कर आओगे। हाँ वैसे भी तुम्हारे जाने से यहाँ के हालात में तब्दीली नहीं आ सकती। मैं ओके सर, चलिए चलिए चलिए। Thank you.
अब भी खबर आई कि कातिल मरीना अपार्टमेंट में है। व्हाट? यस। फोर्स को इत्तला करो कि मरीना अपार्टमेंट पहुंचे। कम ऑन, हरी अप। जाओ। सर, इसका मतलब ये हुआ कि कातिल इसी बिल्डिंग में है। तुम लोग बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लो और अगर कातिल भागने की कोशिश करे तो शूट हिम एट साइट। यू अंडरस्टैंड? तुम मेरे साथ आओ। सर, मैं सब भैंस बेच के सो रही है। अरे, ये क्या कर रहे हो? ये अपना दरवाजा नहीं, किसी और का दरवाजा खटखटा रहे हो। तुम्हारा मतलब है मैं रॉन्ग नंबर डायल कर रहा हूँ? हमारा घर किधर है? इधर नहीं, उधर। चलो मैं बताती हूँ। सर, तमाम हालात को देखने और समझने के बाद मेरी समझ में एक बात आती है कि कातिल ने इस लड़की को मारने के लिए इस खिड़की से धक्का दे दिया है। और मुझे तुम्हारी समझ पे तरस आ रहा है। यस सर। बट नो सर, सर देखिए, गौर से देखिए, इस कमरे में सिर्फ एक ही खिड़की टूटी हुई है। अबे बेवकूफ, ये तो मैं भी देख रहा हूँ। अगर कातिल यहाँ आया होता तो मरने वाले के साथ कोई छीना झपटी या स्ट्रगल के निशानात मौजूद होते, लेकिन इस कमरे में सब कुछ कायदे से। मेरी नजर में कतल नहीं, कोई सुसाइड या एक्सीडेंट। ओफो, आप अभी तक पढ़ रहे हैं? अब पढ़ना वरना बंद। सुनो चंपा, जरा जल्दी से इनके लिए, मुन्ना के लिए दूध गर्म करके लाना। जब तक वो दूध गर्म करेगी तब तक ये नॉवेल मुझे पढ़ लेने दो। ये नॉवेल बड़ा इंटरेस्टिंग है। कातिल अभी कत्ल करेगा। आप यहाँ रावण नॉवेल पढ़ रहे हैं और उधर आपका बेटा डर के मारे नहीं सो रहा। क्या हमारा बेटा डर रहा है? आओ अभी उसका डर दूर कर देते। अरे मुन्ना, आपकी मम्मी कह रही है आप डर रहे हैं। बहादुर बच्चे डरते नहीं। पापा, आज स्कूल के बच्चे कह रहे थे कि आज अमावस की रात है, एक कातिल आता है और वो सबको मार देता है।
बस बस सर, जरा फिक्र मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ। छोड़ दीजिए, वेरी गुड सर, आपने इसे पकड़ लिया। छोड़िए सर, ही इज माइन नाउ, जाएगा कहाँ। ले चलो इसे। चलो अंदर डालो। वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड, मुबारक हो। आफ्टर ऑल आपने इस कातिल को पकड़ ही लिया। हाँ इंस्पेक्टर, इसे पकड़कर मैंने भले ही शहर के लाखों लोगों की जानें बचा ली, अगर अफसोस के उन चंद लोगों की जानें नहीं बचा सका जो मेरे अपने थे। ले जाओ इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए। छोड़ दो मुझे, वो सबको मार देगा, कोई नहीं बचेगा। छोड़ दो मुझे, उसने मेरे पापा डैडी को मार दिया। अगर चाचा जी होते मेरे पापा डैडी नहीं मरते। छोड़ दो मुझे, वो सबको मार देगा, वो सबको मार देगा। इसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती भैया, सुनील कब पहुंचेगा? मैंने फोन कर दिया है, आता ही होगा। भाभी, सब कैसे हो गया? भाई साहब, मैं अपने भाई और भाभी को आपके सहारे छोड़ के गया था ना। I'm sorry, समझने की कोशिश करो सुनील। आपको समझने से या ना समझने से क्या फर्क पड़ता है? जो होना था वो तो हो गया ना। आपकी और आपके डिपार्टमेंट की लापरवाही ने मुझे और मुन्ना को अनाथ कर दिया। सुना आपने, अनाथ हो गए हम, अनाथ हो गए। चाचा जी अब भाग जाओ, चाचा जी अब वो वापस चले जाओ, वो आपको मार देगा। उसने मम्मी को मार दिया, उसने पापा को मार दिया, वो मुझे मार देगा, वो सबको मार देगा, सबको मार देगा। मुन्ना बेटा होश में आओ, मैं आ गया, तेरा चाचा आ गया है बेटा। अब तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। हौसला रखो सुनील, अब तुम भी धीरे छोड़ दोगे तो मुन्ना को कौन संभालेगा? और फिर इन दोनों का दाह संस्कार भी करना है तुम्हें। किसको दफनाने की बात करता है डीआईजी साहब? मैं आप ही के बेटे के बारे में बात कर रहा हूं, जो न जाने कितने कत्ल करके आज पुलिस की गोली का शिकार हो गया है। उसको गोली लग सकती है, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, पर वो मर नहीं सकता डीआईजी। मेरा बेटा कभी नहीं मर सकता। मैंने उसको अपनी रूहानी ताकत से इमोर्टल बनाया है, अमर। देखिए, मैं आपके जज्बातों की कदर करता हूं और ये भी जानता हूं कि हर माँ अपने जवान बेटे की मौत ना तो बर्दाश्त कर सकती है ना तो यकीन कर सकती है, मगर फिर भी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। और हकीकत यह है कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं नहीं है। तो जाओ दफना दो उसे, मगर मैं वहां नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो नहीं मर सकता, कभी नहीं मर सकता। जाओ डीआईजी, जाओ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी।
आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो मर्दूद किराएदार जो मेरा मकान भी खाली नहीं करता है और किराया मांगता हूँ तो आंखें दिखाता है। क्यों बे? बाप का मकान समझ रखा है क्या? इसने तुझे गोद लिया था, भाड़ा नहीं देता है। हुजूर, हुजूर, आमदनी तो बढ़ती नहीं और ये हर साल मकान का किराया बढ़ा देता है। आप ही बताइए ये गरीब आदमी कहाँ जाए। ओ यस, ओ यस। पटनो, पटनो, देखो तुम नाटकबाजी बंद करो, मकान से बाहर निकलो वरना तुम्हें अंदर कर दूंगा मैं। हाँ हाँ, आप हम गरीब आदमियों को अंदर नहीं करोगे तो और क्या करोगे? कौन है ये सुंदर कन्या? हुजूर, हुजूर, ये मेरी भांजी है। अब तक कुंवारी? जी सर। अच्छा। आप ही बताइए, पाई पाई जो मैं जमा करता हूँ वो मैं इसको दे दूं तो बेटी की शादी कैसे करूंगा? करेक्ट, करेक्ट। क्यों बे, इस गंदे से मकान में रहने वालों को शर्म आती होगी लेकिन तुझे किराया मांगते शर्म नहीं आती? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? खामोश। खबरदार जो मुझे साफ साफ बोल के मस्का लगाया तो गलत काम कराता मुझसे, जानता नहीं इस देश में कानूनन किराएदार को बाहर निकालना गैर कानूनी है। खबरदार जो आगे से मासूमों को परेशान किया। जाता हूँ मगर फिर आऊंगा। अरे भाग। हाय राम, ये फिर आएगा? अरे घबराओ मत, इन धमकियों से डरती क्यों? मैं हूँ ना। सच? इंस्पेक्टर साहब आप कितने अच्छे हैं। चाल चुपी शरीर कहेगी। देखो देखो मैं रोज तुम्हारे घर के चक्कर लगाया करूँगा। सच? ए, चलती का नाम गाड़ी, जो रुक गया सो अनाड़ी। ए, खड़े लाए अपुन का नाम सुने लाए, पलंबर दादा बुच अपुन का नाम है क्या? नहीं समझा? ले तेरी तो। अबे ओ मामा के बच्चे निकल बाहर, आज निकालता हूँ तेरी इज्जत का जुलूस। अरे कौन है रे? अरे तो फिर आ गया? हाँ, बच्चू और साथ में पलंबर दादा को भी लेके आया हूँ। क्या पलंबर दादा? आइए, यही है वो मामा का बच्चा जो मेरा भाड़ा नहीं देता है। क्या रे शने, पुलिस को माल हंटी करके गरीब की घंटी बजाता है? अरे बुच मार के फोट डालेगा समझा? आप उनका नाम पलंबर दादा बुच है क्या? रैम, रैम पलंबर दादा, रैम, रैम। ये थोबड़ा ऊपर कर, थोबड़ा ऊपर कर। ये गरीब का भाड़ा काहे को नहीं देता? तेरी तो गरीब को, गरीब, गरीब को, गरीब ये है? हाँ, आवाज भी बदल गया। उंगली, अरे ये पटाकड़ी कौन है? ये कौन है तू? मैं इनकी भांजी हूँ। मेरा मामा बेचारा इस बुढ़ापे में मेरी शादी के लिए पाई पाई जोड़ रहा है और ये कमारी है? तब तो हमारी है। ए, 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 उठ जा, कमर में मोच आ जाएगी, उठ जा। आगे बोले स्टोरी क्या है? आगे क्या बोलूं? ये कंजूस मक्की चूस हमारा खून पी पी के हमारा जीना हराम कर दिया है। हे भगवान, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। रोती लड़की और गरीब की कड़की पलंबर दादा से देखी नहीं जाती। आ गले लग जा, आ जा। अरे पलंबर दादा, इसकी बातों में मत आना, ये बहुत पहुंची हुई चीज है, पहुंची हुई चीज है। पहुंची चीज है? अरे ये बिचारी भोली भाली फूलों की डाली। अरे रे 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 रे, ये कोरी कोरी, ये गोरी गोरी पहुंची हुई चीज है और तू खड़ूस बबूल के कांटे, इतने मारूंगा चाटे के गुलाटी खाना भूल जाएगा, समझा? चल कल्टी खा। अरे मगर दादा, ये अगर मगर तालाब में रहती अपन का काम समंदरी है क्या? चश्मा बिस्मा फोड़ डालेगा, बड़े बड़े लोग को वदली के गटर में ढसल डाले, तली पार कर दिया लाए। चल फोड़ इधर से। आज से ये बुड्ढा, ये बुड्ढा और ये छोकरी पलंबर दादा के बुच के नीचे सेफ है क्या? पलंबर दादा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने हमारी इज्जत रख ली। अरे इज्जत को रखना तो अपन का काम है क्या? अरे तू क्या सुनता रे चराट? अरे तू मामा इसका, ए तेरा नाम क्या है? गौरी। गौरी, अरे बहुत प्यारा नाम है। ए गौरी, फिक्र नहीं करने का, पलंबर दादा बुच के होते हुए अभी तेरी इज्जत कोई नहीं लूट सकता है क्या, समझा? ए मामा, अभी खत्म हो गया ड्रामा क्या? अभी तो मैं जा रहा हूँ काम पर,
हर हर रोज शाम को आऊंगा, फिक्र नहीं करने का, क्या कोई आवाज किया ना फट डालेगा अपन का नाम पलंबर दादा बुछे। मामा कितना अच्छा आदमी है ना। तू फिक्र मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घबराना मत, जिन लोगों ने तुझे दफन किया है वही लोग तुझे बाहर निकालेंगे। कौन? वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा चाचा जी। नहीं बेटा वो मर चुका है वो। नहीं चाचा जी नहीं, वो आ गया चाचा जी। नहीं बेटा मैं हूँ ना, तुम डरो मत, डरो मत, शाबाश आ जाओ बच्चे। मुन्ना, चाचा जी, चाचा जी, वो आ था, वो सबको मार डालेगा चाचा जी, आपको मार डालेगा, कैसे भाग चलो चाचा जी? बेटा वो मर चुका है, वो किसी को भी नहीं मार सकता। नहीं वो जिंदा है। आपके चाचा के होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता बेटा। नहीं वो जिंदा है चाचा जी। आपने कोई बुरा सपना देखा है? आप सो जाइए। नहीं वो जिंदा है। लेट जाइए, लेट जाओ। वो सबको मार डालेगा, वो सबको मार डालेगा, वो सबको मार डालेगा। हेलो डॉक्टर साहब। नहीं। अरे मुन्ना, मुन्ना ये तो डॉक्टर अंकल है, ये आपको ठीक करना है बेटा। मत डरो, ले जाओ, ये आपको ठीक करेंगे, ले जाओ, शाबाश। देखो सुनील, बड़ी छोटी उम्र में मुन्ने ने बेदर्दी से अपने माँ बाप को मरते हुए देखा है और वो कत्ल इसके दिमाग में छप सा गया है। इसको हमेशा यही लगता है कि वो कातिल अब तक जिंदा है और एक दिन हम सबको मार डालेगा। डॉक्टर साहब, आप तो शहर के सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट हैं, क्या आप ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकते जिससे मुन्ना का खौफ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए? रास्ता है सुनील, लेकिन जरा मुश्किल है और अजीब भी। हो सकता है तुम उसे अपना भी ना सको। कौन सा रास्ता डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए। मुन्ना के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। देखो सुनील, एक डॉक्टर के नाते मैं ये रास्ता किसी को नहीं बता सकता, लेकिन क्योंकि तुम मेरे बचपन से अजीज हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर कातिल की कब्र खोदकर कातिल की लाश मुन्ना को दिखा दी जाए तो मुन्ना को यकीन हो जाएगा कि कातिल सचमुच मर चुका है। और मुन्ना को यकीन आना ही उसकी दहशत का सबसे बड़ा इलाज है सुनील। कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर, कब्र खोदना और मुन्ने को लाश दिखाना? नो नो, इट्स इम्पॉसिबल, आई विल नॉट डू इट। मैंने तुमसे पहले ही कहा था सुनील कि ये तुम नहीं कर सकोगे, लेकिन इतना याद रखो कि बचपन में दिलो दिमाग बहुत नाजुक हुआ करते हैं। अगर दहशत अब मुन्ने के दिमाग से ना गई तो इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। नहीं। आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझसे इसकी हालत नहीं देखी जाती, मैं चाहता हूं कि ये अभी ठीक हो जाए। अगर आप सोचते हैं कि यही एक रास्ता है तो चलिए, मैं तैयार हूं। देखो मुन्ना, मैंने कहा था ना वो मर चुका है, ये उसी की कब्र है। नहीं चाचा जी, वो जिंदा है, मरा नहीं, ये किसी और आदमी की कब्र है।
सुनील, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जब तक मुन्ना लाश को नहीं देखेगा तब तक इसकी दहशत नहीं जाएगी, इसलिए इस कब्र का खोदना बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर। हाँ देखो मुन्ना, यही वो खूनी दरिंदा जिससे तुम डर रहे थे, देख लो अपनी आंखों से ये मर चुका है। इसने मेरे मम्मी डैडी को मार दिया, वैसे मार दूंगा, वैसे मार दूंगा, वैसे मार दूंगा, वैसे मार दूंगा। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना बेटा होश में आओ, होश। देखो अंकल, मैंने इसे मार दिया, अभी किसी को नहीं मारेगा, अभी किसी को नहीं मारेगा, अभी किसी को नहीं, अभी किसी को नहीं मारेगा, अभी किसी को नहीं। अब बच्चे के दिल से दहशत निकल चुकी है, सुनील तुम इसे घर ले जाओ, मैं इसे दफना कर आता हूँ। फूल से मैं
मैनेजर साहब, वो दोनों हाथों से बहुत माल लूट रहे हो, हमारा कोई हिस्सा नहीं। आज तुम्हारे होटल की वो हालत करूंगा कि आइंदा इस होटल में कोई ग्राहक आने की कोशिश नहीं करेगा। खूबसूरत हो, अच्छा नाच लेती हो। हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन, देखिए मैं होटल ब्लू स्टार से बोल रहा हूँ, यहाँ पर कुछ गुंडे घुस आए हैं। पुलिस स्टेशन को फोन कर रहे हो? नहीं, अगर वक्त पर हमारा हफ्ता देते तो ये नौबती क्यों आती? चलो इस परी को ले चलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, नहीं नहीं। ये जानते हुए भी कि ये इलाका डीआईजी विनोद सक्सेना के अंडर आता है, तुमने ऐसी हरकत करने की जुर्रत भी कैसे की? डीआईजी साहब, छोटी सी उम्र में अच्छी पोस्ट पर हो, खुद भी खाओ और हमको भी खाने दो, हमारे रास्ते में आकर अपनी जवानी के दुश्मन मत बनो। जवानी से दुश्मनी कौन कर रहा है, इस बात का अभी फैसला करते हैं। दोबारा ऐसी हरकत की तो टांगे काट के 6 फीट 6 इंच से 2 फीट 4 इंच का बना दूंगा, समझे? घबराइए मत सर, अब मैं आ गया हूँ, मैं सबकी छुट्टी कर दूंगा। शट अप। यस सर, आई मीन सर, यस सर, बट नो सर, सर मैं सबका हवाला तो बन करके सबकी छुट्टी कर दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज आप ना आते तो पता नहीं ये गुंडे। जी नहीं, जनता की हिफाजत करना तो पुलिस का फर्ज। डीआईजी साहब, आपने हमारे इस होटल की शान रख ली है, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। ओह कम ऑन मैन, टेक इट इजी। आइंदा अगर ऐसे लोग आए तो हमें इत्तला कीजिएगा। इंस्पेक्टर, सबको गिरफ्तार कर लो। यस सर, यस सर। आप घबराइए मत, अब मैं आ गया हूँ। कुछ जरा मदद मिलेगी इसको उठाने के लिए, कुछ आदमी बुलवाइए, कुछ मंगवाइए, जरा बहुत भारी है। खूब पढ़ाई हो रही है। देखो मना, तुम तो जानते हो तुम्हारे चाचा को कितने काम रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा तुम्हारी फिक्र लगी रहती है, इसलिए तुम्हारी देखभाल के लिए हम ये आंटी को लाए हैं। हाँ, चलो हेलो बोलो। हेलो आंटी, हाउ डू यू डू। हेलो। लेकिन चाचा, आप मेरी फिक्र क्यों करते हैं, मुझे अब किसी से डर नहीं लगता, मैंने तो अपने हाथों से इसे मार डाला था। हाँ हाँ, लेकिन अकेले में आपका दिल नहीं घबराए, या अचानक आपको किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो, इसलिए ये अब यही रहेंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा, और सुनो, आंटी को तंग मत करना। अच्छा, बाय। चाचा मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मेरी फिक्र करते हैं। आंटी आपको मालूम है, एक बहुत खतरनाक आदमी था। हाँ हाँ, मुझे सब मालूम है। अब तुम पढ़ाई करो, मैं चेंज करके आती हूँ। अच्छा। Thank you.
को मार दिया, जिसने पिंकी दीदी को मारा था। चाचा, आंटी को मार दा। बेटा, जिसने पिंकी को मारा था वो तो उसको तो हमने मार डाला था। चाचा, उसने मारा है आंटी को। वो नहीं मार सकता, वरना तुमने कुछ गलत देखा होगा। चाचा, ये वही है जिसने आंटी को मारा। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे, मगर ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है। चलो बेटा, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे आराम का सब बंदोबस्त करके रखा है। सो जा बेटा, सो जा। अब सूरज की पहली किरण तुम्हें सुला दिया करेगी और सूरज की अंतिम किरण तुम्हें फिर से जिंदा कर देगी। जिंदा। रुको रुको, जीप रुको। ये क्या है भी? हाय हाय, ये अमावस की रात वाले कातिल का तुम्हें खात्मा कर चुका हो, फिर ये नया कत्ल कैसे हुआ? हो सकता है ये कत्ल किसी और ने किया हो। और शराब, मैं इंस्पेक्टर हूँ, तुम हवलदार, मैं तुमसे अच्छी तरह जानता हूँ, समझे तुम? देखो, एक काम करो, इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और सारे शहर की नाकाबंदी कर दो। सर सर सर, हमसे एक बहुत बड़ी गलती होगी है सर, मेरा मतलब आपसे एक बहुत बड़ी गलती होगी है सर। क्या बकवास कर रहे हो? यस सर, सर आप ये समझ रहे हैं कि आपने अमावस की रात वाले कातिल को मार दिया, बट नो सर, यू आर हाईली मिस्टेकन, आपने गलती से किसी और को ही मार दिया है। शर्मा, तुम जानते हो तुम क्या बकवास कर रहे हो? सर, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, कल अमावस की रात थी, कल हाईवे पर उस कातिल ने एक सेक्सी लड़की का कत्ल कर दिया, मैंने खुद देखा सर। अगर वो कातिल मर चुका है तो फिर ये कत्ल कैसे हुआ? माय गॉड सर, बट यू डोंट वरी, यू आर एब्सोल्युटली सेफ। मैंने अब तक किसी प्रेस वाले को कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। थैंक यू वेरी मच सर। माय ड्यूटी सर। यू गॉड डैम इडियट, क्या इस शहर में उस अमावस की रात वाले हत्यारे के अलावा कोई दूसरा हत्यारा नहीं है? ओफो माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं सर। क्या कि तुमने जाकर उसकी कब्र खोदी और मुन्ना को ले जाकर उसकी लाश दिखाई? और करता भी क्या भैया, डॉक्टर के मुताबिक मुन्ना को और कोई इलाज भी तो नहीं था। सुनील, लेकिन कब्रिस्तान में जाकर खुली लाश देखकर हमारा मुन्ना राजा घबराया या डरा तो नहीं ना? नहीं तो, हमने सब बहुत मारा, उसे मार दिया, अब वो कभी भी नहीं आएगा किसी को मारने को। काम तो तुमने भले ही गलत किया सुनील, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जिस मकसद के लिए तुमने ये काम किया वो मकसद पूरा हो गया, मुन्ना ठीक हो गया। भैया, I am sorry, उस दिन भावना में बहकर मैं आपसे ना जाने क्या क्या कह गया। I am really very sorry. Never mind, Sunil, it happens. उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि तुम्हारी जगह कोई भी होता तो भावुक हो ही जाता। शुक्र है ऊपर वाले का, कई दिनों का टेंस माहौल तो खत्म हुआ, क्यों नहीं इसे और भी ठीक करने के लिए एक दो दिन के लिए बाहर चले जाएं? What an idea भैया, भैया हमारी पिकनिक की पिकनिक हो जाएगी और मुन्ना का दिल भी बहल जाएगा। देखा, मन अपना कर रहा है और नाम मुन्ना का लिया जा रहा है। ठीक है, हम कल ही चलते हैं। वाह भैया, मजा आ गया। ए दरवाजा खोल, ए खोलती है कि तोड़ डालो दरवाजा। प्लंबर दादा। अरे ये साली, एक तो मेरे को टाइम दिया और उधर आए काहे को नहीं? अरे छोकरी लोग मेरे ऊपर लाइन मार रही थी। वो क्या है प्लम्बर दादा, मेरा मामा है ना, वो घर आ गया था, इसीलिए मैं नहीं आ सकी। ये देख, अपने तेरे बीच में कोई मामा शामा नहीं मांगता है क्या? ऐसे इस बीच में आता ना मामा तो मेरे को बोल, साले के टुकड़े टुकड़े करके धोबी तालाब में फेंक दूंगा क्या? चल इसी बात पर एक पप्पी दे डाल। पप्पी, अगर कुछ हो गया तो? अरे पप्पी से कुछ नहीं होता, रोज पर्दे के ऊपर हीरो लोग पप्पियां ले रहे, धपाधप धपाधप, चल पप्पी दे डाल। इतनी जोर से दिल धड़कने लगा, धक धक धक।
दिल नहीं, दरवाजा खटक रहा है, लगता है मामा आ गया। अरे मामा को बोल दे जाके कि तू मौज मजा कर रही है, बोल। मेरे राजा मेरी बात मान जा, प्लीज जाके छिप जा प्लीज। आए आए, क्या हाथ जोड़ी लिए प्लीज। आए आए, प्लीज भगवान। इंस्पेक्टर ये लफड़ा क्या है? प्लीज मुझे आप मत कहो, पुलिस वाला हूँ ना, इज्जत रास नहीं आती है। मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, दिल की बात कहने का अच्छा मौका और क्या मिलेगा? अगर मेरा मामा गया ना तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। अरे तेरा मामा मेरी मुट्ठी में है, अब फिर किसकी मजालत पूरे मोहल्ले में जो मेरी तरफ आंख उठा के भी देखे, आगे फोड़ दूंगा। इंस्पेक्टर हूँ ना, चल बात पे एक पप्पी दे दे। पप्पी वर्दी में गुंडा गर्दी। मामा गया, मामा गया, अरे मर गया। ये कौन आया? सॉरी तू काम कर, मामा को भगा, मैं अंदर छुपता हूँ। जा 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 जा, मगर मगर छोड़, तू मामा को भगा, मैं अंदर भागता हूँ छुपने के लिए। जा 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 जा, अरे मेरी बात इधर आने दे। अरे ये मामा भी क्या गलत टाइम पर आ गया। मामा मामा मामा, अरे बेटी तूने इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? कहाँ छुपूं, बर्तन में घुस जाऊं, पतीले में घुस, क्या करूं? इधर मैं छुपे लाऊं, किधर और छुप जाके? यस सर, पटनो सर। तू यहाँ पर क्यों छुपा हुआ है गुंडे? मेरे को गुंडा बोलता है और बोलता है मैं इधर काहे को छुपे लाऊं? अरे साला खुद इधर छुपने को आया, दूंगा एक रख के तेरी। चल बाहर निकल, तेरे को अंदर करता हूं। चल थाने में, ये बाथरूम में अंदर रगड़ दूंगा मुरी के अंदर। अबे थाने में चल, तेरे को मजे दिखाता हूं मैं। चल थाने में चल, सारे पटमाटी गए चले गए आपस में। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? अबे छोड़ जा रहा। हां हम दोनों। ए मामा ये देख, ये पलंबर दादा है अपुन का नाम, अखा नगरी जानता है क्या? तेरा मोरी का अंदर कचरा आ गया था, बुछ मार के साफ कर दिए लाए। क्या ये इंस्पेक्टर इधर क्या कर रहे लाए? मामू, मामा जी पता है आपको आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि लोग आते हैं मोरी साफ करने के लिए और तिजोरी साफ कर देते हैं। और मेरे होते हुए कि गोरी की तिजोरी साफ, मतलब आपकी तिजोरी साफ करें मामा जी, तो लाना था ना मुझ पर, है ना? अभी तिजोरी साफ हो गया ना, चल फूट इधर से। अरे तूने भी मोरी साफ कर ली तो चल साथ में लेके जाऊंगा। समझ गया, चल चल। ए मामा चल जरा रास्ता, चल चल चल, आगे देख, चल आगे देख, चल चल चल। मामा शाम को, शाम को। ये दोनों कितना ख्याल करते हैं हमारा। हाँ मामा, है ना? बिल्कुल है। अरे वाह क्या जगह है, शहर रंगीनियों से बिल्कुल अलग। बाकी भैया यहाँ कुछ दिन रुक जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। हाँ तुम्हें और सुनील भैया को तो बहुत मजा आएगा। अरे बाप रे, क्या हुआ? मर गए, खाना लाना तो भूल ही गए। ओह, यहाँ इस वक्त खाना मिलना तो पॉसिबल। लेकिन भैया खाना तो मैं, अरे भाई नहीं लाए, नहीं लाए, मुझे मालूम है नहीं लाए, नहीं लाए, नहीं लाए। अच्छा करो तुम लोग एक काम करो, तुम दोनों मुन्ना को लेकर अंदर जाओ, हम दोनों खाना लेके आते हैं। शाबाश भाई साहब, आपने मुझसे खाना लाने के लिए कहा था और मैं खाना ले भी आया हूँ, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। भाई समझ में तब आएगी जब हम तुम्हें समझाएंगे। हाँ मिस्टर सुनील, हम आपको शहर वापस ले जाना चाहते हैं। क्यों? अपनी पसंद से मिलवाने। तो ये बात है ना। ऑलराइट। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है, आधे घंटे का जाना, आधे घंटे का आना, चलिए चलिए। ओके कम ऑन लेट्स गो। शुभ कार्य में देर नहीं होना चाहिए, चलिए। पिंकी मैं यहाँ पहले भी एक बार आ चुकी हूँ सुनील के साथ। अच्छा तब तो बड़ा ही मजा आया होगा। वैसे एक बात बताऊं दीदी, मैंने भी योगेश चावड़ा को यहाँ बुलाया हुआ है। पागल हो गई है क्यों? भैया को पता चलेगा तो। पिंकी वेरी बैड। अच्छा तुम सुनील के साथ आई तो वेरी गुड, और मैंने योगेश चावड़ा को यहाँ बुलाया तो वेरी बैड। प्लीज दीदी, प्लीज दीदी, प्लीज, मैं यूं गई और यूं आई। प्लीज दीदी तुम ही कुछ कर सकती हो, प्लीज। अच्छा देख भैया के आने से पहले आ जाना। ओ यस दीदी, मैं अभी गई और अभी आई, बाय। योगेश
क्यों डर गए? और नहीं तो क्या, अगर तुम्हारी कुकू की आवाज नहीं आती तो मैं यही सोच के चली जाती कि तुम आए नहीं। अरे आप बुलाए और योगेश छाबड़ा लाए, ऐसे तो हालात नहीं। बिजली तो बड़ी कड़क रही पर हो रही बरसात नहीं। लो बरसात भी शुरू हो गई, आज कुछ और भी मांगती तो वो भी तुम्हें मिल जाता। अच्छा ऐसी बात है? अरे नहीं मांगा तो अब तुमसे मांग लेते हैं। क्या? Thank you.
क्या देख रहे हो तुम्हें और तुम्हारे इस बदन को बहुत खूबसूरत हो तुम आंखें बंद कर लो मुझे शर्म आती है हम आंखें बंद नहीं करेंगे फिर देखो इस घास फूस को नहीं तो अपनी आंखें उधर कर लो वरना मैं चली सुनो अरे सुनो तो अरे पिंकी पिंकी सुनो तो अच्छा लो मैंने आंखें बंद कर ली देखो मैंने आंखें बंद कर ली आई प्रॉमिस मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा अब तो तुम पास आ जाओ देखो मैं पांच तक गिनूंगा एक दो तीन चार और पांच आ गई आंखें खोलो बैठिए ना हाँ बैठिए ना प्लीज बैठिए वैसे अच्छा कर लेती हैं आप शुक्रिया अरे मैं आप लोगों का तारुफ कराना ही भूल गया ये सुनील हैं और ये अंजलि वर्मा माउंट रोड 35 पेरिबेला अरे आपको मेरा पता कैसे पता जी वो मैं सुनील विनोद जी ने बताया लेकिन आप लोग तो पिकनिक पर जाने वाले थे ना यहाँ कैसे आ गए हाँ हाँ दरअसल बात ये हुई क्या बात हुई हाँ हाँ वहाँ खाना नहीं अच्छा हमने सोचा यहीं से कुछ पैक पैक करवा लें जी नहीं दरअसल बात ये हुई कि विनोद जी सुनील सुनील आपसे मिलवाना चाहते थे ठीक है अच्छी क्या मतलब है मतलब ये है डीआईजी साहब कि आपकी पसंद हमें अच्छी लगी वैसे अंजलि जी आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है जी? इनके बारे में नहीं इनके बारे में इनके बारे में एक ही बात है क्या हुआ तुम्हें क्यों चिल्ला रहे थे मैंने अब उसे देखा था खिड़की के बाहर किसे देखा एक राक्षस को चला हुआ चेहरा गंजा एकदम डरावना लगता है तुम स्कूल की किताबें कम और जादू की किताबें ज्यादा पढ़ते हो नहीं दीदी मैं सच बोल रहा हूँ अच्छा तुम्हें सचमुच डर लग रहा है आ मेरे साथ सो जाओ अब तुम यहाँ आराम से लेट जाओ मैं देखती हूँ यहाँ कौन आता है Thank you.
मजा और बढ़ जाएगा भाई साहब। सीमा मन्ना पिंकी, अरे कहाँ छुपे भाई? पिंकी कहाँ है लोग? पिंकी, हे पिंकी, पिंकी, दीदी, सीमा, सीमा कहाँ है? सीमा, मुन्ना, मुन्ना, सीमा, मुन्ना, ये कौन है? ये योगेश छाबड़ा है, पिंकी का क्लासमेट। लेकिन सीमा मुन्ना कहाँ है? चलो ओ गॉड नो, ये क्या हो गया? सीमा मुन्ना, सीमा इन आंखों से अपने जिगर के टुकड़े की लाश देखी। भाई साहब प्लीज, होने को कौन टाल सकता है, लेकिन भाई साहब आपको ये आदमी कुछ अजीब गरीब सा, कुछ एबनॉर्मल सा नहीं लगा? हाँ ये था तो अजीब, लेकिन पूरी तरह से कल ही मालूम पड़ेगा जब पुलिस फोर्स उसकी लाश और गाड़ी को पानी से बाहर निकाल लेगी। आओ चले। चलिए सुन बे पुलिसिये,
कोरी का पीछा छोड़ दे, नहीं तो तेरी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े करके उसमें नलके फिट कर दूंगा। जिंदगी भर टपकता फिरेगा टप टप टप। सुन बे प्लम्बर, तू भी कोरी का पीछा छोड़ दे वरना तेरे ही खून के जुर्म में तुझे फांसी पे लटकवा दूंगा। इस तरह तू एक ही जन्म में दो बार मरेगा। फिर जन्म लेंगे हम, लाकर राख कर दूंगा प्लम्बर। अरे मर मिटेंगे मगर गोरी का घाघरा नहीं छोड़ेंगे। जान हथेली पर लेकर मैं भी गोरी की चोली नहीं छोड़ूंगा। चोली की बोली बंद कर और गोरी का पीछा छोड़ दे। चल हट, मैं आज ही उसके मामा से उसका हाथ मांगने वाला हूँ। मांगने की आदत नहीं जाएगी ना पुलिस ये, इसीलिए आज ही मैं गोरी को लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगा। गोरी गोरी, मोरी बाकी छोरी दूध की कटोरी, कह दे से कि तू है मोरी। नहीं गोरी, गोरी नहीं गोरी, कह दे से कि मैं हूँ तेरे सपनों का राजा। आजा मेरी बाहों में आजा, बता कब लाऊं बैंड बाजा। गोरी मैं हूँ पुलसी और ये है गुंडा। अरे बात तो एक ही है यार, आजा मेरे प्यार। गोरी तू है मेरी कबूतरी, मैं हूँ तेरा कबूतर, दोनों मिलकर चौंचे लड़ाएंगे। नहीं गोरी, गोरी नहीं, तू है मेरी मुर्गी और मैं हूँ तेरा मुर्गा, दोनों मिलकर अंडे सेकेंगे और करेंगे। Thank you.
करूँगा। हाँ जी, मेरी गुलामी करेगा? बिल्कुल करूँगा। झाड़ू लगाएगा? जरूर लगाऊंगा। पानी भरेगा? भरेगा। बर्तन मांगेगा? जरूर मांगूंगा। और क्या क्या करेगा? जो तुम कहोगी सब कुछ करूँगा। गई बाय बाय कर हाय 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 विनोद जी। आप जी, आपकी छोटी बहन के बारे में पता चला तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। ना जाने क्यों इस सब के लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार ठहराती हूँ। अगर आप उस दिन मुझसे होटल में मिलने ना आते तो पीछे से ये हादसा ना होता। नहीं नहीं नहीं, इसमें आपका भला क्या दोष? ऊपर वाले ने मेरी छोटी को मुझसे छीनना था, छीन लिया। बहुत चाहता था मैं उसे, बहुत चाहता था। देखिए, मोनी को कौन टाल सकता है, बेहतर यही होगा। मैं समझता हूं, समझता हूं, और काफी हद तक हालात के साथ समझौता भी कर चुका हूं। ये देखिए, रेडी फॉर ड्यूटी। अच्छा, मैं चलती हूं, रात काफी हो गई है और घर पहुंचने में भी देर हो जाएगी। देखिए, मैं पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा हूं। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको रास्ते में छोड़ दूं। इसमें एतराज की क्या बात है? आइए। अच्छा, तो आप यहाँ रहते हैं? जी। बाप रे, लगता है बारिश होने वाली है। अच्छा किया जो आप मुझे छोड़ने आ गए, वरना घर आते आते तो मैं भीगी जाती। आइए अंदर चलिए ना। जी नहीं, मेरी ड्यूटी का वक्त हो रहा है। आपको देर हो रही है इसलिए रोकूंगी नहीं, मगर याद रखिए आपकी चाय हम पर उधार रही। श्योर श्योर। ओके ओके, बाय बाय। हेलो पापा। अरे बेटी, आज इतनी जल्दी? तू डांस को नहीं गई? नहीं पापा, आज मुझे विनोद जी के घर जाना था। मैंने आपसे कहा था ना कि उनकी बहन को। हाँ हाँ, ठीक किया। ऐसे मौके पे हौसले के दो शब्द बोल देने ही काफी होते हैं। भगवान भी ना जाने कभी कभी क्यों अच्छे लोगों पर ही जुल्म ढाता है, और विनोद जी तो बहुत ही अच्छे आदमी है। तुझे तो कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। अगर ऐसी बात है तो कभी घर पे लाना, और फिर तेरे हाथ भी तो पीले करने हैं। हो सकता है कि तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। शांता, कब तक अपाहिज का फायदा उठाकर मैं इसकी कमाई पर पलता रहूंगा? ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं ठीक ही कह रहा हूँ बेटी। हर बाप की तमन्ना होती है कि मरने से पहले अपनी बेटी का कन्यादान कर दे। नहीं पापा, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलो, बहुत हो गई बाप बेटी की बातें, चलकर सो जाइए आप भी। हाँ बेटी, जाओ, मैं ये पाठ पूरा करके आता हूँ। हैं, जाओ सो जाओ। सर सर, हमारे तैराकों ने तालाब का चप्पा चप्पा छान मारा। हमें जली हुई गाड़ी तो मिली, लेकिन जली हुई बॉडी कहीं नहीं मिली। व्हाट? यस सर। मगर मैंने खुद अपनी आंखों से तालाब में गिरते हुए देखा है, फिर वो बॉडी गई तो गई कहाँ? सर, हम लोग किसी बात को लेकर परेशान थे, हमने बहुत ढूंढा लेकिन वो। हमारा इस बॉडी को ढूंढना बहुत जरूरी है। यस सर। वरना अमावस की रात वाले कातिल के मरने के बाद इस कातिल का उठ खड़ा होना और इसके मरने के बाद उसकी लाश का गायब हो जाना अखबार वालों के लिए बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है। यस सर। बट नो सर, सर जब वो बॉडी तालाब में है ही नहीं तो फिर उसके बाद हम लोग। तालाब में नहीं है तो कहीं तो है। जमीन तो नहीं खा गई, आसमान तो नहीं निकल गया। वो बॉडी जहां भी हो, हमारा उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। आ,
हाँ मैं विनोद बोल रहा हूँ। विनोद जी, मैं अंजलि बोल रही हूँ। वो मेरे पीछे पड़ा है। आप जल्दी से आ जाइए। उसने मेरे माँ बाप को मार डाला है। वो मुझे भी मार डालना चाहता है। अंजलि, 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 हेलो अंजलि, अंजलि। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे, उठा के लेके जाओ अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए। जी अच्छा। अंजलि, अंजलि, खून बहुत खून बह गया। सर मेरे ख्याल से इसको भी मुर्दे के साथ लेके जाना होगा। सर चलो। यस सर, बताओ सर, सर बेहोश है ना, हॉस्पिटल लेके जाना ही पड़ेगा ना, वेरी वेरी मीन। चलो हॉस्पिटल चलो। आए, आए। अरे ये क्या छील लिए? अरे ओ बुच्छ वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसाने की? याद नहीं मैंने क्या कहा था? मुझे जोरू का गुलाम नहीं चाहिए, मर्द चाहिए, मर्द। हाँ समझे? क्या क्या बोली? पलंबर दादा को बोलने लिए कि मर्द चाहिए? अरे अभी तूने खाली पलंबर दादा की नरमी का प्यार देखा था, गर्मी का नहीं देखा था, अभी एक कीच लाफा मारे लाया। अरे जाती अड़ी तड़ी करी ना तो लाफे मार मार के थोबड़ा बैन कर डालूंगा, शादी ब्याह में बचती फिरेगी। अरे वाह रे मेरे कबूतर, आज तो बड़े शेर की तरह दहाड़ रहा है, ये अदा पहले क्यों नहीं दिखाई? चल चल पैर दबा। अरे लातों की भूतनी, चल दबा। दबा तो रही हूँ। मजा आ रहा है। अभी बोल क्या सोचती है? सोचना वोचना क्या है, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तू ही वो जवान मर्द है जो मुझे बस में रख सकता है। मगर मगर ये मगर कौन है? मगर मेरा मामा, वो मेरी शादी तेरे से कभी नहीं होने देगा। शादी नहीं होने देगा? काहे को? क्योंकि तू गुंडा है और मेरा मामा जो है ना
मेरी शादी उस पुलिस वाले के साथ कर देगा। अरे ये एड़ी, वो पुलिस वाले की आबरू क्या है? अरे ये पलंबर बुच अखा बंबई में मेरा धाक है, जिधर से गुजर जाऊ ना मकान बंद दुकान बंद, बोल्ला वीरान पब्लिक हैरान, ये है अपुन का शान। अरे बाबा वो तो मैं सब जानती हूँ, मगर तू कुछ ऐसा करना जिससे मामा मेरी शादी तेरे साथ कर दे। तो एक काम कर, तेरा मामा जो आए ना तो उसके सामने भड़ाक से उल्टी कर डालना। उल्टी? हाँ। छी, वो क्यों? अरे उल्टी करेगी तो सीधी होएगी ना, तेरी खोपड़ी में नहीं आ रही लिए। जब वो पूछेगी उल्टी क्या है तो बोलना पलंबर बुच के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाय राम, मामा तो झूठ झूठ नहीं बोलना चाहती है? नहीं। तो चल हाँ सच्ची का कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं झूठ बोल लूंगी। अभी आई ना गाड़ी पटरी पे, तो ठीक है आज अपने मामा से बोल देना कि ये मेरा फाइनल है, मैं शादी करूंगी तो पलंबर बुच से करूंगी, क्योंकि मैं मजबूर हूँ, लाचार हूँ, बीमार हूँ, उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे गौरी, अरे क्या हुआ? क्यों बेटी, ये उल्टी क्यों कर रही है? मामा जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ। ये क्या किया? हाँ, उस प्लम्बर बुच वाले के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं। हे भगवान, गौरी तूने ये क्या किया? एक तो कुम्हारी माँ और वो भी उस गुंडे बदमाश की, निर्लज तुझे शर्म नहीं आई? जरा ये तो सोचा होता कि ये बस्ती वाले हमारे कितनी बेइज्जती करेंगे। अरे कोई आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता है। इंस्पेक्टर साहब आप? हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया है, बस्ती वाले कुछ भी कहे लेकिन मैं हकीकत जानता हूँ। क्या क्या जानते हैं आप? यही कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे तुम तो एक गांव की अल्हड़ कम से नौजवान लड़की हो, उस गुंडे ने तुम्हें बहकाया और फुसाया है ना? इंस्पेक्टर साहब उसने हमें बर्बाद कर दिया। मामा जी, एक गुंडा जो कर सकता था करके क्या, अब आप देखिए कि एक शरीफ और सच्चा आशिक क्या करता है। मैं कल ही गौरी से शादी करने को तैयार हूँ। मगर अरे ना मत करना गौरी, ना मत करना। मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं अपनी मोहब्बत की गोंद से जोड़ दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, हम इतनी जल्दी शादी का इंतजाम कैसे करेंगे? इंतजाम? कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं? मामा जी मुझे दहेज तो चाहिए ही नहीं बिल्कुल है? बस थोड़ी लाइट वेट लगा देना, मैं चार आदमियों को लेकर आऊंगा, उन्हें खाना तो खिला देंगे ना? नहीं क्या करो, फिक्र मत कर, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आप इंसान नहीं देवता है देवता। मामा जी आपकी जगह मेरे दिल में आप क्या नहीं है? अच्छा गौरी अब मैं चलता हूँ, रो मत, कल आऊंगा। एक्सक्यूज मी सर, ये गांधीनगर वाले चोरी की केस की फाइल मैंने निकाली है, इसमें सर आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं सर। लेकिन आपको किस बात की टेंशन है? आपने अपनी बहन के हत्यारे को मार दिया, आपने अंजलि के मामा के हत्यारे को भी मार दिया, और सर आपने अमावस की रात वाले हत्यारे को भी मार दिया। हाँ तो ग्रेट है सर, आप जब चाहे जिसको मर्जी मार सकते हैं। नहीं सर, मेरा मतलब था कि आपको फिर किस बात की टेंशन है? शर्मा। यस सर। मुझे शक नहीं, यकीन है कि मेरी बहन की जिसने हत्या की और अंजलि के मां बाप को जिसने मारा वो एक ही आदमी, इसलिए उस दिन तालाब से गाड़ी तो मिल गई लेकिन उसकी लाश नहीं मिली। समझ में नहीं आता कि मामला क्या है। कहिए डॉक्टर साहब, क्या बात है? आप लोग चुप क्यों हैं? आपकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? मामला अगर लाश और मौत का ना होता तो मैं सिर्फ इतना ही कहता कि डीआईजी साहब आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। मजाक? मजाक करने की मेरी आदत नहीं है डॉक्टर साहब, मैं आपसे इस लाश की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पूछ रहा हूं। मैं भी इसी लाश की बात कर रहा हूं। ये लाश उस आदमी की है जिसे आज से ठीक 8 दिन पहले आपने खुद मार डाला था, और पोस्टमार्टम भी हम ही ने किया था। लगता है मजाक मैं नहीं आप लोग कर रहे हैं डॉक्टर साहब। जिस लाश को आज से 8 दिन पहले मैंने खुद अपने हाथों से दफनाया था, आज फिर वही लाश? कम ऑन डॉक्टर, इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? यही मैं कह रहा हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज से 8 दिन पहले जिस लाश पर हमने पोस्टमार्टम के स्टिचेस बनाए थे, आज वही लाश फिर हमारे सामने रख दी गई है। डॉक्टर सिन्हा ठीक कह रहे हैं डीआईजी साहब, और हम इस बात का सबूत हैं। ताज्जुब तो इस बात का है कि इस पुरानी लाश में आज की ताजा गोलियां भी मौजूद हैं,
और पुरानी गोलियों के निशान भी। Are you sure? Yes, DIG साहब, मेरी समझ में नहीं आता कि एक लाश पर आपने गोलियां चलाई तो क्यों? क्या बात है DIG साहब, क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूँ कि अगर ये वही लाश है तो इस उलझन को सिर्फ एक ही आदमी सुलझा सकता है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि हमने उसकी कब्र खोदी थी। वो तो ठीक है सुनील, मगर मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुमने अपने हाथों से उसकी कब्र बंद की थी या नहीं? नहीं, मुन्ना की हालत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम मुन्ना को लेकर निकलो और मैं कब्र बंद करके आता हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि हमें एक बार फिर उसकी कब्र खोलनी होगी। ये तो डॉक्टर साहब की लाश है, ये सब कैसे हो गया? ऐसा हो गया सर, मुर्दा बदल गया। तुम जरा चुप रहोगे? पट्टू सर, मुर्दा बदल चुका है। शट अप। सुनील, मेरा ख्याल है डॉक्टर ने सही कहा था, वो लाश सचमुच उसी कातिल की है। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि मेरे और मुन्ना के जाने के बाद उस कातिल की लाश ने डॉक्टर साहब को? उसके अलावा कुछ और है भी तो नहीं कहने को। जिस लाश को हम इस कब्र में दफन करके गए थे, उस लाश का वहां हॉस्पिटल में मौजूद होना इस नाकाबिले यकीन बात को यकीन करने पर मजबूर कर देता। जब तक तू जिंदा है उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। तू यहां क्यों आया है? तुझे समझाने। तूने अपनी तंत्र विद्या का दुरुपयोग किया और उसका नतीजा भी देख लिया। तूने बदले की आग में कितने ही बेगुनाह लोगों को मरवा दिया और अब अपनी बहन के बच्चे की आत्मा को भटकाकर तुझे क्या मिलेगा? अरे कमबख्त, अब तो उसे चैन की नींद सोने दे। बंद करिए अपना भाषण और चला जाए यहां से। जिस दुनिया में मेरी बहन को शांति नहीं मिली, उस दुनिया को मेरे जीते जी शांति नहीं मिल सकती। जा, निकल जाइए यहां से, जा, मैं कहती हूं जा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, यही है वो लाश। ओह माय गॉड, सचमुच इसमें हरकत हो रही है। यस सर। वार्ड बॉय ऑक्सीजन लाओ। जी सर। डॉक्टर ईसीजी लगाओ। राइट सर। डॉक्टर इसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो रही है। पर अब तो इसकी ब्रीदिंग भी नॉर्मल होती जा रही है। गुड डॉक्टर साहब, हालांकि डॉक्टर्स और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग रूहों और ईविल स्पिरिट जैसी चीजों में यकीन नहीं करते, लेकिन फिर भी जो आंखों के सामने है उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। आपने ठीक ही कहा था, वो लाश उसी कातिल की है। जी नहीं DIG साहब, अब वो लाश नहीं है, क्योंकि अब उसकी नब्ज चलने लगी है। ओह माय गॉड, फिर तो आप उस बॉडी को शमशान घाट पहुंचाइए, उसका जल्द से जल्द जला जाना बहुत जरूरी है। DIG साहब, आप एक जिंदा आदमी को जलाना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, वो एक जिंदा आदमी नहीं है, बल्कि एक ऐसी चलती फिरती लाश है जो आम इंसानों की जिंदगी के लिए खतरा है। यस, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हमने उसे अपनी आंखों से अंजलि जी पर कातिलाना हमला करते हुए देखा है, तभी तो हमने उसे मार डाला। मतलब DIG साहब ने उसे मार डाला। ये प्रॉब्लम आपके डिपार्टमेंट की है, लेकिन मेडिकल साइंस के लिए ऐसा हादसा कभी सदियों में नहीं हुआ। 8 दिन के बाद एक मुर्दे का जिंदा हो जाना मेडिकल साइंस को मौत पर विजय भी ला सकता है। और अगर यही हादसा मौत पर विजय दिलाने के बजाय मौत का कारण बन जाए तो वो फिर किसकी प्रॉब्लम होगी डॉक्टर? आप खामखा मेरा वक्त जाया कर रहे हैं, मैं उसे जिंदा जलाने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। डॉक्टर, ये मत भूलो कि मैं एक DIG हूं और ये इजाजत मैं कोर्ट से भी ले सकता हूं। आप ये कोशिश कर सकते हैं, कोई भी जज हमारे डेथ सर्टिफिकेट के बगैर किसी भी इंसान को जिंदा जलाने की इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन वो जिंदा नहीं है। डॉक्टर आप हैं या मैं हूं? ओह माय गॉड। इंस्पेक्टर। यस सर। तुम यहीं रहो। जी। लाश के पास जी? मैं जज से मिल के आता हूं। आई एम सॉरी DIG, मैं आपको जिंदा आदमी जलाने की परमिशन नहीं दे सकता। मैजिस्ट्रेट साहब,
वो जिंदा नहीं है बल्कि एक ऐसा शैतान है जो कब्र से उठ खड़ा हुआ है और उसका वजूद इस शहर के हजारों बेगुनाह लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। देखिए ऐसी परमिशन देने के लिए मुझे डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत है। अगर मुझे डॉक्टर सर्टिफिकेट दे देता तो मुझे आपसे परमिशन लेने की क्या जरूरत थी। डॉक्टर तो यही कहता है कि वो जिंदा है। डॉक्टर की ये बात आपकी दलीलों को नकारा कर सकती है। आप समझते क्यों नहीं मजिस्ट्रेट साहब, ये वही आदमी जो हर अमावस की रात को खून किया करता था और आज भी उसका कब्र से उठना इसी तरह के खतरे का इशारा है। अगर आपने उसे चलाने की इजाजत नहीं दी तो आज के बाद जो भी खून होंगे उसके जिम्मेदार आप होंगे। दिया जी, आप न सिर्फ हद से ही बढ़ रहे हैं बल्कि अपना और हमारा वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं। अरे रे 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 रे, काय को रो रे ली है? एक प्लान फेल हो गया, दूसरा बना लेते हैं। ठहर जा, सोचता हूँ। जब तक तू दूसरा प्लान बनाएगा मैं पराई हो चुकी होंगी। वो पुलिस वाला शाम को बारात लेकर आ रहे हैं। अरे गौरी शर्म कर, उस महान आदमी को गालियां दे रही है और इस गुंडे के सामने गिड़गिड़ा रही है। अरे ये मामा, ये सब ही है, मेरा है। अगर मेरी शादी प्लम्बर से नहीं हुई तो मैं जहर खाके मर जाऊंगी। अरे गाय को नहीं रोएगी बेचारी, मेरे होने वाले बच्चे की माँ जो बनने वाली है। और सुन ले, तू एक होने वाले बच्चे की माँ की दूसरे आदमी से शादी नहीं कर सकता है, ये कानून है। हाँ। गौरी तू बेवकूफी कर रही है। बेवकूफी ये नहीं कर रही है, तू कर रही है। अरे एक कुंवारी लड़की को माँ की पोजीशन में लाने के बाद भी मैं उसको कबूल करने के लिए तैयार हूँ। अरे ये एड़े, ये हरकत जो है ना खाली हीरो करता है, विलन नहीं करता है। अरे मौके तो उस इंस्पेक्टर को भी मिले थे, क्या किया उसने? कोई प्रूफ दिया? प्रूफ देने के बाद मैं कबूल कर रहे लाऊ? अरे तेरे को अपनी इज्जत की पड़े लिए? अरे कुछ इसकी खुशी का ध्यान कर। हाँ मामा, तुम्हें मेरी खुशी का कोई ध्यान नहीं। कह तो तू ठीक रहा है प्लम्बर, मगर आज शाम को इंस्पेक्टर भी दूल्हा बनकर आ रहा है। अरे शाम होने को बहुत टाइम है, तभी तक तो मैं तेरे को नाना भी बना दूंगा। अच्छा बच्चों, तुम लोग सुखी रहो, मगर उस इंस्पेक्टर के आने से पहले तुम लोग ये शहर छोड़ जाओ। मैं अपनी बेइज्जती तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तुम लोगों की खुशी उजड़ते नहीं देख सकूंगा। चल जल्दी चल। अरे अच्छा, ये अपनी पुरानी आदत है, आशीर्वाद दे रहा। जीते रहो जीते रहो। बेटी मैं अभी आया। ठीक है, देखा प्लम्बर दादा का पुछ, बच्चा होने से पहले बच्चा तैयार किया, देख बुड्ढा कैसे राजी हो गया। राजी हो गई। अरे इसकी क्या जरूरत थी, ये दागीने भागीने। मैं अपनी बेटी को खाली हाथ कैसे भेज सकता था? अरे ये दहेज भेज की क्या जरूरत थी? अरे पकड़ो बेटा। नल के पकड़ो बेटा। अरे पकड़ा हुआ है। शाबाश। पलम्बर दादा को बुछ लगा दिया, राजा नल बना दिया। चल दम्बी अत्ती आ जा, घोड़ा तो नहीं है। जीते रहो बेटा, जीते रहो, सुखी रहो। देखो भाइयों, लड़की जो है ना वो है बहुत सुंदर, एकदम डिटो कॉपी माधुरी दीक्षित। और जो मामा है ना वो है गरीब, लेकिन दिल का बहुत अच्छा, खातिर बहुत करेगा। अबे तो सो रहा है, लाइट नहीं लगाई, अबे कहीं भूल तो नहीं गया? मामा मामा, मैं दूल्हा शादी करने वाला तेरी भांजी से। मामा अरे कौन भांजी? अरे अरे गौरी से, और किससे? उठ तो सही। गौरी? हाँ गौरी से। अरे कहाँ कहाँ? अरे बेटा तुमने आने में बहुत देर कर दी। देर कर दी? गौरी तो प्लम्बर के साथ भाग गई। अबे तू होश में तो है मामे? अरे मैं तो होश में हूँ, अब तू भी होश में आ जा। बेटा वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे, तेरी भलाई इसी में है कि तू उसे भूल जा। मामा मैं खून की नदियां बहा दूंगा, अबे उठ तो सही बात तो कर मुझसे। मामा मैं तुझे दीवार में जिंदा चुनवा दूंगा, मैं तुझे दफा 420 में अंदर करवा दूंगा। अरे बेटे मुझे अंदर करवा के तुझे क्या मिलेगा? ये भी ठीक है, मुझे क्या मिलेगा। अच्छा सुन मामा, अबे यार तू उठ तो सही, मेरी नींद उड़ा के तू सो रहे है, कमाल का आदमी है। अच्छा ये चार आदमी आए मेरे साथ, इनको कम से कम खाना तो खिला दे, खाना तो खिला दे, भूखे बेचारे सुबह। बेटे खाना पकाने वाली तो चली गई, चली गई, मैं खुद होटल में खा के आया हूँ। देखो भाइयों मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप किसी होटल में जाके खाना खा लो। मैं आप कोई और मामा ढूंढता हूँ। Thank you.
जरा रुकिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ। देखिए, दुनिया की कोई भी पुलिस किसी भी गोली से अमावस की रात के हथियारे को नहीं मार सकती। तो आपने मुझे मेरा काम बताने के लिए रोका? जी नहीं दिया जी साहब, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उसका रात के अंधेरे में कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता, उसे सिर्फ सूरज की किरणें ही मार सकती है। सूरज की किरणें? जी हाँ। सुनिए, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ और इस तरह की बचकानी बातें सुनने के लिए मैं कभी भी तैयार नहीं। ठीक है साहब, साहब साहब, यह बचकानी बातें नहीं है। अब कैसी हैं? आप भाग जाइए यहां से, जल्दी कीजिए। ओह माय गॉड, नहीं नहीं, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? मगर मगर हॉस्पिटल में ये सब लाश है, ये सब कत्लेआम, ये सब क्या है सूरज? उनाश ये सब कमा रही है जैसे डॉक्टर जिंदा बताते हैं। मगर तुम तो ठीक हो ना? अंजलि, अंजलि कहाँ है अंजलि? आप मेरी फिक्र मत करिए भैया, अंजलि को बचाइए, वो कातिल उसी के पीछे भागा है, जाइए। बहुत सारे लोगों का खून हो गया सर। शट अप, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। यस सर, बट नो सर, कम से कम मैं वहां नहीं था, ये तो मैं तो गया है। लेकिन उस वक्त हॉस्पिटल में ड्यूटी तुम्हारी थी ना? यस सर। फिर भी ये सब कुछ हो गया? यस सर। अब सुनो, आते हो तुम उस तरफ जाओ। Thank you.
तकलीफ हो रहा है? वो दरिंदा कहाँ है? पता नहीं, लेकिन अगर सूरज नहीं निकलता तो आज मुझे ध्यान से मार डालता। सूरज क्या मतलब? न जाने क्यों सूरज की किरणें उस पे पड़ने से उसके शरीर में आग सी लग गई। ऐसा लगा जैसे सूरज की किरणें उसके शरीर पे पड़ने से वो। डीआईजी साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि रात के अंधेरे में उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता, उसे सिर्फ सूरज की किरणें ही मार सकती है। लेकिन मेरी समझ में बात आ रही है, आज सूरज उगने से और सूरज ढलने तक मेरे पास 12 घंटे हैं, और उन 12 घंटों में ना तो सिर्फ मैं अपनी बात मनवा कर रहूंगा बल्कि उस दरिंदे का खात्मा भी कर दूंगा। ये लीजिए आपके लिए दूध। दूध और मेरे लिए? एक मिनट तेरा पास। अरे हम तो बगैर दूध के तैयार हैं जाने मन। क्या कर रहे हो? आपकी तबीयत खराब है और ऐसी हालत में ऐसे ख्यालात अच्छे नहीं होते। चुपचाप दूध पीजिए और सो जाइए। अरे अच्छा ये अच्छा यहाँ मेरे पास बैठो। जी नहीं, मैं यही ठीक हूँ। मैं वहाँ आऊंगी और आप शरारत शुरू कर देंगे। अच्छा सीमा, तो मालूम है कि दिमागी और जिस्मानी टेंशन या परेशानी दूर करने के लिए सबसे अच्छा इलाज क्या होता है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? वेरी पुअर जनरल नॉलेज। अरे इसका सबसे अच्छा इलाज होता है बॉडी मसाज, यानी जिस्म की मालिश। जब तुम्हारी ये नरम नरम उंगलियां मेरे जिस्म को दबाएंगी तो मेरी तकलीफें तो वैसे दूर हो जाएंगी। आ जाओ। और मेरी तकलीफें शुरू हो जाएंगी। आप चुपचाप दूध पीते हैं या मैं यहाँ से जाऊँ? अच्छा अच्छा अच्छा, बैठे तो रहो, कम से कम नजरें ही ठंडे करते रहेंगे। सताले सताले। क्या हुआ? टेंशन, तुम्हें मालूम है टेंशन दूर करने का एक ही तरीका है, बॉडी मसाज। पहले मैं तुम्हारी टेंशन दूर करूंगी, फिर तुम मेरी। दरिंदा यहाँ आया था, उसने बहुत बेदर्दी से तुम्हें मारा, उसने मुझे भी मारा। चीर, चीर किसकी? कुछ नहीं भाई साहब, सीमा के दिमाग में भी दहशत तारी है इसलिए डर गई थी। मैं तो तुम लोगों को गुड न्यूज देने आया था, मजिस्ट्रेट मेरे साथ चलने को तैयार हूँ। एक बार डॉक्टर और मजिस्ट्रेट मेरे साथ चलकर उस बॉडी को मारा हुआ डिक्लेयर कर दें तो मैं उस पर कब्जा करके चला खाक कर देना। लेकिन भाई साहब, उसे मारने के लिए तो सूरज की रोशनी ही काफी है। वो सिर्फ सूरज की पहली किरण से ही मर सकता है सीमा, और मैं उस लाश को एक रात और रख के बेगुनाहों की जिंदगी खतरे में नहीं। ठीक है भाई साहब, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तुम्हारा यहाँ रखेंगे, तुम यहाँ रहोगे तो मेरी खुलेकर मिल जाएगा। ओके। पीआईजी, तुम यहाँ क्या बात है? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे यहाँ आने का मकसद क्या है। आपका बेटा? मेरा बेटा? वो तो मर चुका है डीआईजी, तुम्हीं ने तो उसे दफन किया था, याद है ना? हाँ याद है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि दिन के उजाले में वो एक मुर्दा जिस्म है, और दिन ढलते ही वो एक शैतान बनकर कत्लेआम का सिलसिला शुरू कर देता है।
लेकिन आज के बाद मैं ये सिलसिला खत्म कर देना चाहता हूं और करके रहूंगा। हवलदार तलाशी लो। मेरा शक सही निकला। हवलदार डॉक्टर और मैजिस्ट्रेट को बुलाओ। देखिए मैजिस्ट्रेट साहब। डॉक्टर प्लीज चेक द बॉडी। ही इज डेड। ये मर चुका है। डीआईजी साहब आप ये बॉडी ले जा सकते हैं। हवलदार उठाओ इसे। हाँ ले जाओ इसे और कर लो जो तुम लोगों से हो सकता है। लेकिन इतना याद रखना सूरज टूटने में कुछ देर बाकी है। तुम लोग सब पछताओगे, सब मारे जाओगे। हाँ सब मारे जाओगे। चाचा जी अंकल ने आप तो उसे मार दिया होगा ना। बोलिए ना चाचा जी। चाचा जी पता नहीं बेटा। और मुश्किल तो यह है कि मैं तुम लोगों को छोड़कर जा भी नहीं सकता। सीमा आ आजा आजा आ मेरे पास। मैं जा रही हूं। कहां जा रही हो तुम? सीमा सीमा शहर की हर सड़क पर मौत का अंधेरा छाया हुआ है और अगर भाई साहब की मदद करने जानी है तो मैं जाऊंगा। आ मेरे पास आ। कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा। एक एक करके सब मारे जाएंगे। सीमा ये क्या हो गया तुम्हें और तुम्हारी आवाज? मैं कहता हूँ चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर। सीमा ये क्या पागलपन है? हाँ ये पागलपन है। छोड़ दो मुझे। चाचा जी दीदी। सीमा आजा, 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 आजा। बहुत देर हो गई चलो। आ गई। तेरा भाई डीआईजी मेरे बेटे को जलाना चाहता है लेकिन वो क्या उसे जलाएगा? मैं तुम सबको जलाऊंगी। ठहरो ठहरो चलो। अरे गाड़ी को रोक दी क्या हो गया? ओहो सर मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम है। सर सर इसका टायर पंचर हो गया। देख रहा है मुझे। वो देख वो रही तेरी चिता। तेरे भाई डीआईजी ने तेरे लिए अपने कर्मों से सजाई है। जा उसमें जाके समाज जा। बहुत देर हो जाएगी। यस सर। एक काम करो कॉफिन निकाल के जीप में रखो। कमान हरिया बस ठीक है। सीमा सीमा खुश ना हो सीमा। आगे आपके शोले तुम भी मारे जाओगे। मैं सोचो सीमा कोई नहीं दीदी। कम ऑन
सर सर मैं क्या करूं सर, जब से मुर्दा अंदर आया है जीप स्टार्ट ही नहीं होती सर। डैम इट। काट दे। हवलदार जी साहब, तुम लोग उतर के लकड़ियों का बंदोबस्त करो। अच्छा साहब, इसे यहीं चला जाए। अब दुनिया की कोई भी ताकत तुम सबको इस धरती तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। तुम सब एक एक करके मारे जाओगे। हरगिज नहीं। तुम अगर जान प्यारी है तो चले जाओ यहां से। नहीं, मैं तुम्हें इन बेकसूर लोगों की हत्या नहीं करने दूंगा। इनको बेकसूर कह रहे हो? उनको जिन्होंने मेरी बहन पर अत्याचार किए थे, या उस डीआई जी को जो मेरे बेटे को जलाना चाहता है? जल्दी करो सुबह ठंडे वाला, जल्दी करो नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना सर? जल्दी करो। शाबाश, वेरी गुड। बेवकूफ औरत, तुम्हारा बेटा हर अमावस की रात को शहर में जिन मासूम लोगों की हत्या करता है, उन लोगों ने तुम्हारी बहन का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा। और डीआईजी साहब जो तुम्हारे खूनखार बेटे को जलाने ले गए, तो वो सिर्फ इंसान और इंसानियत की हिफाजत के लिए। मुझे शहर के लोगों से क्या लेना देना? अगर मेरा बेटा मरेगा तो सब मरेंगे। आखिर मैं भी तो एक माँ हूँ। माँ, तू अपने आप को माँ कहती है? अरे माँ कहलाने का हक तो तुझे तब होता जब तू भी देवकी की कोख से जन्म हुए कृष्ण को यशोदा की तरह दूध पिलाकर उसे दुनिया की रक्षा करना सिखाती। मगर तूने उसे राक्षस बनाया है, तू माँ नहीं हो सकती। तूने उसे दूध नहीं खून पिलाया है, तू जैसी औरत माँ हो ही नहीं सकती। हाँ, मैंने उसे खून पिलाया है, और अब तेरे भाई का और तुम सबका खून भी उसे पिलाऊंगी। अपनी तंत्र विद्या के अहंकार में यह मत भूल कि यह विद्या तुम्हें मैंने ही सिखाई थी। मुझे मजबूर मत करके मैं तेरा सर्वनाश कर दूं। तू मेरा सर्वनाश करेगा? इससे पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगी। ओ, तो ठीक है ना? यस सर, उठो सर, मेरी गर्दन गई। जाओ। ये तो खत्म हो गई। शाम ढल चुकी है, मेरा डीआईजी साहब के पास फौरन पहुंचना जरूरी है। देखो, सुबह होने तक तुम लोग इस फैक्ट्री से मत निकलना। जी। मैं चलता हूं। आओ, यहां से तो चले। Yeah.
लास्ट, आखिर ये शैतान खत्म हो ही गया भाई साहब। चलो डीआईजी साहब। पूरी रात मैं शहर भर में आपको ढूंढता रहा, आप यहाँ कैसे पहुंचे? अचानक वो हम लोगों को देखकर इस फैक्ट्री की तरफ भागा, हम लोग उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचे। ओ, जरूर वो अपनी माँ का बदला लेने यहाँ आया होगा, मगर अब वो कहाँ है? वहीं जहाँ मुझे उसे बहुत पहले पहुंचा देना चाहिए था, इस भट्टी में। अब तक उसकी लाश जलकर राख हो चुकी होगी। नहीं, मुझे यकीन नहीं आता। अभी सुबह होने में कुछ पल बाकी है और रात में उसे दुनिया की किसी भी भट्टी में जलाया नहीं जा सकता। आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद ही देख लीजिए। चलो अपनी आंखों से देखता हूं। ये देखो जलकर राख हो गया। पहली किरण निकल चुकी है, सभी दरवाजों और खिड़कियों की शीशे तोड़ दीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी। अब यह शैतान पूरी तरह खत्म हो चुका है, आइंदा यह कभी जिंदा नहीं होगा। चलो बच्चों,